स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। नहीं रही लोक गायिका शारदा सिन्हा, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली के एम्स में बीती रात शारदा सिन्हा का हुआ निधन। शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से ले जाया जा रहा है पटना। पटना में शारदा सिन्हा का कल होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति। शारदा सिन्हा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट, उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति। प्रभु श्री राम के प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर किया पोस्ट, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। बिहार लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देने के कारण 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा के निधन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये दुखद समाचार है। मंगलवार रात 9:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पटना में होगा। शारदा सिन्हा के निधन पर बोले रविशंकर प्रसाद, शारदा सिन्हा का निधन संगीत उद्योग और संस्कृति के लिए एक अपूर्णीय क्षति। उनके गाने पूरे दुनिया में गुनगुनाए जाते हैं, उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, वो भारत की अनमोल रत्न थी, भारत ने बेहतरीन आवाज खो दिया, भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, हम शारदा जी को कभी नहीं भुला सकते। शारदा सिन्हा के निधन पर राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, छठ के त्योहार में हर और गूंजते शारदा सिन्हा के गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे, अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी शारदा सिन्हा। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बोले मृत्युंजय तिवारी, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद, लोक गायन में देश में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मृत्युंजय तिवारी की तरफ से कहा गया कि लोक गायन में शारदा सिन्हा ने अमिट छाप छोड़ी है और इसके साथ ही साथ बिहार समेत पूरे पूर्वांचल में शारदा सिन्हा की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार। आईटीआई जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 और आईटीआई शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 दर्ज। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 दर्ज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, दोनों जगहों पर दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में 60 से ज्यादा आतंकियों ने की घुसपैठ, इतनी ही संख्या में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। जम्मू में 40 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी, घुसपैठ के पुराने रूट पर जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेरा, दोनों तरफ से फायरिंग जारी, इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेरा, दोनों तरफ से फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी का किया ऐलान, आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि देने का वादा, 10 लाख पदों पर भर्ती की गारंटी। निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का आया सुप्रीम फैसला, कहा सभी निजी संपत्ति कब्जा नहीं कर सकती सरकार, 9 जजों की बड़ी बेंच ने दिया बड़ा फैसला। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को दी मान्यता। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टली, दोनों पक्षों को लिखित जवाब देने की कहा गया। उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी चोरी के बड़े मामलों का पर्दाफाश, जीएसटी चोरी में 18,000 फर्जी कंपनियों का खुलासा, 25,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का सनसनीखेज खुलासा, टैक्स चोरी के खिलाफ एजेंसी का राष्ट्रव्यापी अभियान। महाराष्ट्र में बागियों पर उद्धव की कार्रवाई शुरू, भिवंडी
कि पूर्व विधायक रुपेश महात्रे पार्टी से निष्कासित, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल और संजय आवरी को निकाला गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के दिए संकेत, कहा अब मैं कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, राजनीति में युवाओं को दिया जाना चाहिए मौका। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखित शिकायत चिट्ठी, चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को न उड़ने देने पर दखल देने की मांग की। सलमान खान को फिर मिली लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी, मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को मिला धमकी भरा मैसेज, धमकी में लिखा बिश्नोई मंदिर में माफी मांगे सलमान खान, ये 5 करोड़ रुपए का भरे हर्जाना। अवैध खनन घोटाले के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, झारखंड कोलकाता पटना समेत 20 जगहों पर छापेमारी, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी और 50 लाख कैश बरामद। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने नौसेना प्रमुख से की मुलाकात, तटीय सुरक्षा, प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज और बचाव पर तटरक्षक बल की परिचालन तत्परता और प्रतिबद्धता पर की गई चर्चा। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर छठ के मौके पर घर जाने के लिए भारी भीड़, आनंद विहार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में पहुंचे रेल यात्री, कतार में अपनी बारी के इंतजार में नजर आए लोग। भारी भीड़ के कारण जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर रेल यात्री, ट्रेन में बाहर लटकते नजर आए यात्री, कड़ी मशक्कत के बाद बोगी में घुसे भाग्यशाली लोग, कई लोगों की छूटी ट्रेन। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अज्ञात लड़कों ने की फायरिंग, चेहरा ढककर दुकान पर आए लड़कों ने हवा में की कई राउंड फायरिंग, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जन्मदिन पर रेत से उनकी कलाकृति बनाकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, साउथ कैरोलिना वर्जीनिया में भी खत्म हुआ मतदान, आज ही परिणाम आने हो गए हैं शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला और ट्रंप में कड़ी टक्कर, रुझानों में कमला हैरिस से कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे तो कभी डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से आगे, 120 इलेक्टोरल कॉलेज में डोनाल्ड ट्रंप आगे, वहीं 99 इलेक्टोरल कॉलेज में कमला ने बनाई बढ़त। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने वॉशिंगटन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चुनाव की रात की निगरानी पार्टी का आयोजन किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हैरिस के समर्थक छात्र बोले, आज जीत जाएंगी कमला हैरिस और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, इस देश को चलाने के लिए एक महिला राष्ट्रपति की बहुत जरूरत। अमेरिका में कई मतदान स्थलों पर मिली बम की धमकी, रूसी ईमेल डोमेन से भेजे गए मैसेज। ईरान के आजाद विश्वविद्यालय में हिजाब के खिलाफ कपड़े उतारकर विरोध करने वाली छात्रा का नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी ने किया समर्थन, कहा छात्रा बिना विद्रोह, गुस्से और विरोध का प्रतीक, छात्रा की जल्द रिहाई की मांग की गई। इराक में महिला अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने कहा, महिलाएं अपने विरोध की कीमत चुकाती हैं। एमएनस्टी ईरान ने भी प्रदर्शनकारी छात्रा की फौरन रिहाई की मांग की, कहा छात्रा को प्रताड़ना और दुर्व्यवहार से मिलनी चाहिए सुरक्षा, परिवार और वकील से भी मिलने की अनुमति मिले।